बच्चे हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब भी कोई एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है वो एटम्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जहाँ उनके पास बहुत सारे नॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल दैट इज अ वर्ड विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज अ न्यूक्लियर प्लस फाइल। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, जो न्यूक्लियस को प्यार करते हैं और उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और टाइप ऑफ एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसके पास बहुत सारे लॉन्ग पेयर्स होते हैं जो वो दूसरे किसी भी एटम को डोनेट कर सकता है। ओके, उसके बाद हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले एलिफैटिक का क्या मतलब होता है, जब भी वो वाले मॉलिक्यूल्स जो कार्बन के बने होते हैं और वो हमेशा रिंग की फॉर्म में नहीं होते, वो किसकी फॉर्म में होते हैं, चेन की फॉर्म, उसको हम एलिफैटिक बोलते हैं। और जब भी एलिफैटिक की बात होगी तो हम जैसे हम स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं ये कार्बन है, कार्बन के तीनों साइड हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक साइड लगा हुआ है ब्रोमीन। ये ब्रोमीन OH के साथ रिप्लेस हो गया, ये जो OH है दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। व्हेन आवर OH व्हिच हैव अ नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन द कार्बन एटम देन द ब्रोमीन एटम गेट रिप्लेस बाय द OH नेगेटिव वन। तो आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि ब्रोमीन की जगह पर कौन आ गया है, OH, और ब्रोमीन है वो OH के साथ क्या हो गया है, रिप्लेस। उसके बाद एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक SN1 और एक SN2। SN मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल वन रिएक्शन एंड SN2 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेकंड रिएक्शन। सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो SN1 होती है दैट इज अ यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये दो स्टेप की होती है, इसमें जो दो स्टेप होते हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें जो हैलोजन है जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाता है तो कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, तो जब फर्स्ट स्टेप में हम जैसे पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि दो स्टेप मैकेनिज्म है, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या करेगा, अटैक, देन इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा, जो सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा। तो इसमें जब भी हमें पता चलेगा कि क्या इंटरमीडिएट बन रहा है वो हमें फर्स्ट स्टेप से पता चलेगा, क्योंकि वो स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। जब भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि आपके तीनों एक्सिस में एटम्स कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है उसमें रासायनिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है, बिकॉज जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन बनने के बाद जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो जाती है, वो sp3 से sp2 हो जाता है और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जब भी SN1 रिएक्शन होगी तो रासायनिक प्रोडक्ट बनेगा। रासायनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है दो तरह के प्रोडक्ट बनना। ठीक है, जिसको हम रासायनिक मिक्सचर भी बोलते हैं। उसके बाद जब भी आप देखो, जैसे हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये जो OH ग्रुप है ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, इसलिए दो तरह के जो है प्रोडक्ट बनेंगे। इसको एक को हम कहते हैं इन्वर्जन और एक को कहते हैं रिटेंशन। उसके बाद आ जाता है SN2 टाइप रिएक्शन। SN2 जो रिएक्शन होती है वो एक स्टेप रिएक्शन होती है, एक स्टेप में मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। इसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसमें दोनों रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें जो बनती है दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पुराना बॉन्ड टूटता है और नवा बॉन्ड जो है वो बनता है। इसकी अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें कभी भी जो है वो रिटेंशन मॉलिक्यूल नहीं बनता, इसमें जब भी बनेगा तो वो इन्वर्जन होगा। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे आप अपना रिएक्टर लोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो उससे उल्टा बनेगा। उसके बाद जैसे हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जैसे एक कैप है, SN1 रिएक्शन क्या होता है कि एक कैप जब अपनी जगह छोड़कर जाएगी तभी ही दूसरी कैप उस जगह पर आएगी, बट SN2 में ऐसा नहीं होता। SN2 में क्या होता है, जैसे ये कैप आराम से सो रही है तो दूसरी कैप क्या करेगी, इसको जबरदस्ती धकेलेगी। ठीक है, तो ये जो पुरानी कैप है ये अपनी जगह छोड़ देगी और नवी कैप जो है वो उसकी जगह आ जाएगी। उसके बाद है कि आपकी SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है,
तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट को हम कैसे यूज करते हैं। जो एसन रिएक्शन होती है उसमें जो कार्बो कटायन बनता है वो पोलर होता है और वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर होता है। तो इसीलिए जो एसन रिएक्शन होती है वो पानी में ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक अ ऑयल और बेंजीन। जो आपकी एसन टू रिएक्शन होती है इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये नॉन पोलर होती है, तो ये पानी में कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। इसीलिए जो आपकी एसन टू रिएक्शन है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट के बारे में आपको पहले बता दिया। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं। जैसे एसन वन में मैंने आपको पहले बताया कि एक एटम छोड़कर जाता है उसकी जगह दूसरा एटम आता है, तो एसन वन में जब भी कोई भी एटम बल्कि ग्रुप क्रिएट करेगा तो उसको जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो एसन वन रिएक्शन में जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड के साथ अलग होना चाहता है तो उसके जो साइज है वो छोटा होना चाहिए ताकि वो इजीली एसन वन रिएक्शन के दौरान अलग हो सके। पर जब भी एसन टू रिएक्शन की बात करेंगे तो बल्कि ग्रुप में भी आप अटैक करवा सकते हैं। थैंक यू।